भाई लोग आज भोकाल गिरने वाला है, क्योंकि आज अपन जिसकी बात करने जा रहे ना, वह खुद एक भोकाल थे जिसने दोस्ती निभाई तो मिसाल बन गई। हम गुंडे हैं, ना आज तक किसी के हाथ आए हैं और ना आएंगे, और दुश्मनी निभाई तो दहशत भी शर्मा गई। जिगर के छल्लो दिल्ली से सटा इलाका बोले तो लोनी, जो गाजियाबाद में आता है। कहने को तो यहाँ विकास तेजी से होना मंग था, मगर यहाँ कुछ पनपा है तो वह अपराध, लूट, मर्डर, डकैती, रैप यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया। यहाँ की महंगी जमीनों ने सदियों से गैंग वॉर को जन्म दिया। दिल्ली NCR के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा में होने वाले हरेक कांड के तार यहाँ तलाशे जाते हैं। दिल्ली से एंट्री करे या गाजियाबाद से, टूटी सड़कें सब कुछ बयां कर देती है। जहाँ इसका सदियों पुराना इतिहास है, तो वहीं क्राइम की दुनिया का खराब ही दरिच है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनके किरदार वक्त से गहरे होते हैं, और कहानियों से भी। केम जो बदा मजामा भाई लोग, आप सभी का प्यार है जो मैं एकदम इस ठाशु कहानियां लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मांगता है बॉस। भाई लोग, जुर्म की काली दुनिया की बात हो और भोजी और सदबीर गुज्जर की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 1980 का दशक था, उस दौर में अखे उत्तर भारत में बेसला गुज्जरों के गांव मेवला भट्टी के महेंद्र भोजी और सदबीर गुज्जर के नाम की तुत्ती बोलती थी। नेता लोग से लेकर बड़े बड़े माफिया लोग के पिछवाड़े से हवा निकल जाती जब इन दोनों का नाम सुनते। वेस्टर्न यूपी के लोग जहां सदबीर और भोजी की दोस्ती की मिसाल देते, वहीं नियति ने ऐसी कल्टी मारी कि इनकी दुश्मनी से आम लोग थर्रा गए। एक था बारूद, कलाकांड मादरचोद का, दूसरा चिंगारी। महेंद्र भोजी और सदबीर गुज्जर एक ही गांव मेवला भट्टी के थे। दोनों की यारी मानो राम लखन की जोड़ी। महेंद्र भोजी आर्मी में था, उसने 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में ठुस ठुस के गोलियां दागी थी। वहीं सदबीर गुज्जर वकील था, उस इलाके में उसका भी दबदबा था। रिटायर होने के बाद भोजी के पास करने को कुछ न था। उन दिनों लोनी शहर और आसपास के इलाकों में जमीन महंगी होने के कारण प्रॉपर्टी लाइन में अच्छा बिजनेस था, इसलिए सदबीर भोजी को प्रॉपर्टी लाइन में साथ बिजनेस करने के लिए लोनी के चेयरमैन मामू नेताजी जगमाल सिंह के साथ सेटिंग करवाता। अब फौजी और सदबीर का डंका बजने लगा। फौजी का डेयरिंग, सदबीर का दिमाग सबकी फाड़ के रख दी। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। तभी फौजी की जिंदगी में एक ऐसा भोकाल आया कि फौजी को हिला कर रख दिया। दरअसल महेंद्र फौजी की एक लौती बहन थी। इस प्यारी सी गुड़िया का नाम था महेंद्री, जो फौजी की जान थी। महेंद्री की शादी मेरठ के किलागढ़ पुट्टी गांव में हुई। एक दिन सुबह सुबह फौजी अपने आंगन में बैठा था, तभी उसकी बहन रोती हुई आई। बहन की आंखों में आंसू देख फौजी का सीना थम गया। तब बहन बताती है कि ससुराल में दो मुस्लिम लड़के रोज उसे छेड़ा करते हैं। जब पति को बताया तो वह डर के मारे कुछ नहीं करता, क्योंकि वह लड़के गुंडे हैं। यह सुन फौजी की नसें बाहर आ गई, चेहरा सूर्य की भांति लाल हो गया। फौजी ने सदबीर से बात की, दोनों निकल पड़े अपनी टोली लेकर। वाट लगा के रख दी उन छपरी लोग, पूरे के पूरे उसके खानदान को खत्म कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद चेयरमैन जगमाल सिंह और फौजी के बीच लफड़ा हो गया। लफड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। दूसरी ओर चेयरमैन को सदबीर गुरु मानता था, यही वजह थी कि सदबीर अब फौजी को भी दुश्मन समझने लगा। तभी शुरू हुई दोनों के बीच गैंग वॉर। मानो दो हाथी जब दंगल में उतर जाए तो क्या सीन होता है। अब अखे एरिया की वाट लगने वाली थी। ये तस्वीर शुरू जरूर उसने की है, लेकिन इसमें आखिरी रंग मैं भरूंगा, गाढ़ा गाढ़ा लाल। इस गैंग वॉर ने दहशत इतनी फैला दी कि लोग सांस लेना भूल गए। भाई लोग, उस दौर में मीडिया में सिर्फ फौजी और सदबीर की तस्वीर छाई रहती। लोग तो ठीक है, मगर पुलिस भी डरती। फौजी गैंग ने लोनी टाउन एरिया के चेयरमैन राशिद अली, चेयरमैन जगमाल और विधायक महेंद्र भाटी को ठोक दिया। वहीं सदबीर ने राजनेता कमल राज। अब आलम यह था कि लोनी शहर की हवा में भी दहशत की बू आने लगी। छोटे मोटे छपरी से लेकर
बड़े बड़े माफिया राजनेता जैसे 100-150 लोगों ने इस गैंग वॉर में जान गंवाई। अब पुलिस की थू थू होने लगी तो पुलिस भी एक्शन मोड में आ गए। साल 1994 में बुलंदशहर पुलिस ने महेंद्र भोजी को ठोक दिया। वहीं 1997 में दिल्ली पुलिस ने सतबीर को ठोक दिया। सतबीर और भोजी का अध्याय तो खल्लास हो गया, मगर आज भी यहाँ मौत की जंग जारी है। आज भी यहाँ अनेकों सतबीर और भोजी वही कांड कर रहे हैं। चलो भाई लोग, इस गुजराती भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।